हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए एसएससी एमटीएस के क्लास में। आज के एसएससी एमटीएस के क्लास में दोस्तों हम टॉप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। सिलेक्शन अगर आपको लेना है तो ये सारे प्रश्न याद कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ही आपके पेपर में आएंगे। ये क्वेश्चन आपके डायरेक्ट पेपर में आएगा। आपका जो पेपर है वो 30 सितंबर से 14 नवंबर तक चलेगा। तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हो, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, सारे जने एक बार सब्सक्राइब करके चैनल को नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, अगर आप एसएससी एमटीएस में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। और जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं, सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें। तो सारे जने लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा? तो इनकी जो मैक्सिमम यानी कि जो अधिकतम संख्या होती है वो 250 होती है। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। आप भी सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में बताते हुए चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ हाउ मैनी पार्ट्स? तो भारतीय संविधान के टोटल आपके 22 भाग हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, फुगड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? फुगड़ी फोल्क डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो ये किस स्टेट को बिलोंग करता है? तो ये संबंधित है भारत के गोवा राज्य से, और गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके सबसे छोटा राज्य भी है, ठीक है। और गोवा के जो वर्तमान में सीएम है वो कौन है, सभी साथी जल्दी से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में सिर पर एक बर्तन को संतुलित करके किया जाने वाला प्राचीन तमिल लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? द एनिसेंट तमिल फोक डांस परफॉर्म्ड बैलेंसिंग ए पॉट ऑन द हेड इन तमिलनाडु इज? तो ये है आपके करकट्टम, ठीक है, करकट्टम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया? तो अनटचेबिलिटी को जो समाप्त कर दिया गया वो आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, टाटा समूह के पहले अध्यक्ष कौन है? हु इज़ द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप? तो टाटा ग्रुप के जो पहले अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? तो ये हैं जमशेद जी नौशरवान जी टाटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विधेयक के गतिरोध के मामले में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसमें दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वो आपके लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, स्पीकर ऑफ लोकसभा के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से किस संस्था के पास धन विधेयक पर कोई विशेष अधिकार नहीं है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी हैज़ नो एक्सक्लूसिव पावर ओवर मनी बिल? तो ये जो विशेष अधिकार हैं वो राज्यसभा के पास नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलित्जर पुरस्कार डैश में स्थापित किया गया? तो पुलित्जर पुरस्कार स्थापित किया गया था 1917 में। थर्ड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा पर भारत का दूसरा मिशन चंद्रयान 2 लॉन्च वाहन डैश द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका जो लॉन्च वाहन था वो था GSLV मार्क 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इरिटेरिया की राजधानी क्या है? व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इरिटेरिया? तो इरिटेरिया की राजधानी अस्मारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले जी यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है, का मान किसने ज्ञात किया? तो सबसे पहले जी का जो मान ज्ञात किया गया था वो लॉर्ड कैवेंडिश के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी नागरिकों के मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में निर्दिष्ट हैं? विच आर्टिकल स्पेसिफाइज द फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ एवरी सिटीजन? तो ये आपके आर्टिकल 51A के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, टेस्ट क्रिकेट में पहला तिहरा शतक बनाने वाले पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ए ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट? तो ये थे अपने वीरेंद्र सहवाग वीरूपा जी। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जन्म किस वर्ष में हुआ? तो महात्मा गांधी का जो जन्म है ये आपके 1869 में हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति कौन है? वो इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गेट परमवीर चक्र? तो ये थे आपके सोमनाथ शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे पुराना खेल है, द ओल्डेस्ट स्पोर्ट ऑफ द वर्ल्ड इज, तो कौन सा है? तो ये आपके रेसलिंग है, कुश्ती है। सेकंड नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? वो इन्वेंटेड द जेट इंजन? तो जेट इंजन का जो आविष्कार है वो सर फ्रैंक व्हिटले के द्वारा किया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की खोज किसने की? तो प्रकाश की विद्युत चुंबकीय प्रकृति की जो खोज की गई वो आपके मैक्सवेल के द्वारा की गई। किसके द्वारा? मैक्सवेल के द्वारा की गई। थर्ड नंबर ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, टीकाकरण का आविष्कार किसने किया? वो इन्वेंटेड वैक्सीनेशन? तो वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण का जो आविष्कार है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया। अगला क्वेश्चन है,
IVF यानी कि विट्रो जो फर्टिलाइजेशन की तकनीक सबसे पहले किसके द्वारा प्रकल्पित की गई? IVF टेक्निक वाज फर्स्ट डिवाइजेड बाय, तो ये की गई पैट्रिक स्टेप्टो और रॉबर्ट एडवर्ड्स के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, म्यांमार के पहले नागरिक राष्ट्रपति का नाम क्या है? नेम द फर्स्ट सिविलियन प्रेसिडेंट ऑफ म्यांमार, तो इनका नाम है हतीन क्याव। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर वन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दूध सागर जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? दूध सागर फॉल्स इज फॉर्म ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो ये है आपके मंडोवी पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का कुल हिस्सा क्या है? व्हाट इज़ द टोटल शेयर ऑफ सर्विस सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी, तो इसका जो आपके टोटल शेयर है वो 54.3% है। अगला क्वेश्चन है, बाघों की आबादी में उच्च वृद्धि के लिए चर्चा में रहे मानस नेशनल पार्क और जो औरंग नेशनल पार्क है वो कहाँ स्थित है? तो मानस नेशनल पार्क और जो औरंग नेशनल पार्क है ये आपके असम स्टेट में है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय वाम हस्त दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज़ द इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे ऑब्जर्व्ड, तो ये मनाया जाता है आपके 13 अगस्त को, 13 अगस्त को ये सेलिब्रेट किया जाता है, मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी परत पृथ्वी के सबसे करीब है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज क्लोजेस्ट टू द अर्थ, तो कौन सी है? तो ये शोभ मंडल, जिसे ट्रोपोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बछेंद्री पाल ने वर्ष डैश में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की, तो इनके द्वारा की गई 1984 में। अगला क्वेश्चन है, रुक्मणी देवी अरुंडेल डैश के साथ जुड़ी हुई हैं, तो ये आपके भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हुई हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ किस में निहित हैं? तो ये जो अवशिष्ट शक्तियाँ ये आपके केंद्र में निहित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय एंडीज़ और आल्प्स के पर्वतीय क्षेत्र में इनमें से किस प्रकार की जलवायु का अनुभव होता है? तो यहाँ पे आपके उष्ण कटिबंधी जलवायु यानी कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट का जो है वो अनुभव होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1929 का कांग्रेस का सत्र जिसने पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया कहाँ हुआ था? तो 1929 का जो कांग्रेस सत्र है ये हुआ था आपके लाहौर में। सेकंड नंबर ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र पुरस्कार विजेता कौन है जिसने 2 बार रसायन विज्ञान में नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो कौन है? तो ये है फ्रेडरिक सेंगर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर वन रहेगा। अगला क्वेश्चन है, वो अपॉइंट्स द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो नियुक्ति दी जाती है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन ऑयल रिफाइनरी बिहार के किस जिले में स्थित है? द इंडियन ऑयल रिफाइनरी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, तो ये बिहार के बेगूसराय जिले में है। अगला क्वेश्चन है, AO Hume के अलावा निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? तो ये नहीं निभाई गई थियोडोर बेक के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, एसेज शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? एसेज इज द टर्म एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, तो ये संबंधित आपके क्रिकेट के खेल के साथ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विभाग को दूर संचार विभाग के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेचर ऑफ जियोग्राफी के लेखक कौन है? वो इज़ द राइटर ऑफ द नेचर ऑफ द जियोग्राफी, तो ये आपके रिचर्ड हार्टशॉन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह सभा की स्थापना की? तो ये की गई आपके महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो आज की इस वीडियो में हमने टॉप 40 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लिए हैं और डेफिनेटली इस वीडियो से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। वीडियो पसंद आई तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अपने